युवा कांग्रेस नेता सुनील राजपुरोहित ने जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि सुनील राजपुरोहित पिछली गहलोत सरकार में युवा बोर्ड के सदस्य थे और जालौर सिरोही युवा कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं। इस बार इन्होंने भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मांगा था, लेकिन पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया गया। सुनील राजपुरोहित ने रानीवाड़ा में मीडिया से रूबरू होते हुए बताया, पिछले दो तीन चार दिनों से इस बात की चर्चा है कि सुनील पुरोहित जल्द भाजपा का दामन थामने वाले हैं। देखो, लोग हमेशा अच्छी बातें करते हैं, मैं उस बातों पे मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सब जगह जा जा के घूम घूम के लोगों के लिए काम करता हूँ, और ये फैसला जब भी सही समय होगा मेरे विवेक पे ये फैसला लूँगा मैं। आज आपको ये बातों पे कुछ नहीं कहूँगा। मतलब कांग्रेस पार्टी को आप अलविदा कहने वाले हो जल्दी? मैंने आपको कहा कि जो भी जब समय आएगा उस समय मैं अपने आपके सामने ये सारी बातें कह दूंगा। मैं अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरा जो काम है, मेरा जो कर्तव्य है जनता की सेवा करना, वो निरंतर करता रहूँगा। नहीं, आपने बीच में कहा फैसला लेने की आपने बात कही। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपको जब भी समय आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो फैसला, अगर आप कांग्रेस में रहना चाहते हो और कांग्रेस में रहोगे तो फैसला की जरूरत ही नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी जो समय आएगा उस समय मैं आपको कह दूंगा। आप तो विधानसभा में टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, अब कह रहे हो सामाजिक कार्यकर्ता कैसे हुआ? नहीं, सामाजिक विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, आप राजस्थान सरकार में मेंबर रहे हो। नहीं था, मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं काम बना कर रहा हूँ। मोदी जी की नीतियों के बारे में क्या कहना है आपका? नीतियाँ जब अच्छी नीतियाँ होगी तो अपने आप अच्छी नीतियाँ तो हमेशा बाहर आती है, लोग बात करते ही हैं। राम मंदिर के बारे में अच्छा काम हो रहा है, राम मंदिर का बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो बरसों पुराना जो अधूरा काम था जो पूरा हो रहा है, तो पूरे देश में एक खुशी की लहर है। तो आपकी पार्टी कांग्रेस ने तो राम मंदिर का निर्माण बढ़ाया नहीं, आप पीछे रह गए। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप 22 जनवरी की जो तिथि है उससे प्रभावित है कि नहीं है? बिल्कुल पूरा प्रभावित। तो क्या आप कांग्रेस छोड़ना चाहते हो? मैंने आपको सर कह दिया कि मैं जब समय आएगा तो राम मंदिर की प्रतिष्ठा से पहले आप पार्टी छोड़ोगे या उसके बाद में? सर, पार्टी छोड़ने की बात आप जो पूछ रहे हो, मैंने तो ये बात कही नहीं है अभी, लेकिन जब जो भी सही समय होगा। कह रहे थे कि फैसला ले रहा हूं खुद मैं लोकसभा के टिकट के लिए। लोकसभा की मैंने सर आपको कह दिया है, उसको अभी भी समय है। लोकसभा से बीजेपी का टिकट के लिए आप लाइन में है क्या? मैंने ये कहा है कि सर मैं अभी आपको कुछ भी नहीं कहूंगा। दिल्ली में थे, दिल्ली में लगातार कुछ अपने निजी कामों से भी जाता रहता। आप कह रहे हो दिल्ली बीजेपी? सर देखो, आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन मैं दिल्ली मेरे निजी काम से मैं जाता रहता हूँ। मैं वापस इसी वीक भी दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे कुछ निजी काम है उसके लिए जा रहा हूँ। सुनील जी, आप 4 दिन पहले दिल्ली में थे, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, आप बताओ वो तो वरिष्ठ नेता भाजपा से थे या कांग्रेस से थे? सर मैं तो मेरे निजी काम से गया हुआ था, मैं कोई मेरे दूसरे कुछ काम है उसके लिए गया था दिल्ली। दिल्ली तो पूरे अपने देश की एक राजधानी है, तो हर व्यक्ति अपने कोई काम करने के लिए दिल्ली जाता ही है। तो अब आप फैसला लेने वाले हो? सर मैं कह रहा हूँ कि जब सही समय आएगा मैं आपको बता दूंगा। रतन देवड़ा आपके मित्र है क्या? सर मैं उस